निवासी युवक प्रशांत को पुलिस ने एसओजी टीम के साथ शनिवार को रात्रि घर से जाकर हिरासत में ले लिया है और उसके बाद परिजनों को चौकी पहुंचने का बोलकर युवक को लेकर फरार हो गए। परिवार के लोग सभी थाने चौकियों पर चक्कर लगाते रहे, लेकिन परिवार को शनिवार को परिवार के लोगों को जानकारी मिली कि युवक प्रशांत, जो कि मानसिक रूप से बीमार है, थाना को क्वालसी से हवालात में बंद कर दिया गया था। जिसके बाद परिजनों ने जब इस मामले में बीजेपी नेताओं से निर्दोष बेटे को छोड़ने की गुहार लगाई है, तब जाकर पुलिस ने युवक को छोड़ दिया। अब बीजेपी नेताओं के द्वारा अब यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की बात भी कही जा रही है। ये हुई थी कि मेरे घर पे एसओजी वाले आए थे, मेरे बच्चों को ले गए उठा के। उसके बाद में उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ ले जा रहे हैं, हमसे कह के गए कि हम चौकी तक ले जा रहे हैं। चौकी में गई, ये मिला नहीं। मैंने फिर इधर उधर पुलिस जितने भी थाने चौकी हैं मैंने सब में पता करी, कुछ नहीं पता चला। फिर रात को 8:30 बजे 9:15 के उनने थाने इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनने फ़ोन करा कि आप क्वारसी जाओ, क्वारसी मिलेगा तुम्हारा बच्चा। जब मैं क्वारसी गई हूँ तब वहाँ जाकर वहाँ पर भी नहीं मिलने दे रहे मुझे। कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, इस संदर्भ में जो है परिजनों से वार्ता कर ली गई है। एक गैंग पकड़ा गया है, उस गैंग में कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए कुछ बातचीत हुई है, इसमें एसओजी टीम ने वो गैंग पकड़ा था, साथ ही थाना पुलिस थी। इस संबंध में परिजनों से वार्ता हो गई है, जो उनके साथ आए हुए थे उनसे वार्ता हो गई है। इसमें हमने एक एप्लीकेशन दी है, उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।